एक्स्ट्रा टाइम। बड़ा जी, आप ये आपका कितना आपका ओलंपिक कितना नंबर ओलंपिक? ये मेरा छठवां ओलंपिक है। 2000 सिडनी से मैंने ओलंपिक अपना शुरुआत की थी और 2000 में जब मैं शुरुआत ओलंपिक सिडनी में गया तो मैंने मेरे जीवन में उससे अच्छा पहले कोई गेम देखा नहीं था। और वहाँ वॉलेंटियर लोगों को काम करते हुए देख के बस इच्छा हुई कि नेक्स्ट ओलंपिक से आई विल बी वॉलेंटियर इन ईच एंड एवरी गेम। और क्या है कि एक ऐसा गेम है ओलंपिक जो 4 साल प्रिपरेशन पहले से हमको मालूम रहता है, तो हम लोग क्या है कि उसकी तैयारी करते हैं। और आते ही मैं हिंदुस्तान से अपने रजिस्टर्ड किया उनके ओलंपिक को, और उसके बाद में मैंने एथेंस के लिए वॉलेंटियर अप्लाई किया। अच्छा। और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई वाज सिलेक्टेड फॉर 2004 माय फर्स्ट वॉलेंटियर इन ओलंपिक। और उसके बाद से तो मैं शायद अभी तक कोई ओलंपिक या विंटर ओलंपिक या फुटबॉल फीफा वर्ल्ड कप कॉन्फेडरेशन कप क्रिकेट वर्ल्ड कप शायद एक भी एब्सेंट नहीं किया हूँ। मेरी जीवन की यात्रा 20 साल से ऊपर है और इसमें स्पोर्ट्स के प्रति खास करके भारत को चीयर करने की हर समय मंशा रहती है। और मुझे हार जीत से फ़र्क नहीं, मैं चाहता हूँ कि बस बेस्ट परफॉर्मेंस दे हो और कोई उसके नहीं है। और हर समय मैं अपना ये एक झंडा भी जो है भारत का हर समय साथ में रखता हूँ। जब भी इंडिया का कोई भी राष्ट्रगान होता है या कोई भी मेडल जीतता है तो मैं ये हर समय मेरे साथ रहता हूँ। शायद कोई भी स्पोर्ट्स चाहे उसमें हिंदुस्तान खेले या नहीं खेले, मेरा तिरंगा मेरे साथ हर समय रहता है। अच्छा। तो एक चीज़ बताइए, तो आप तो ओलंपिक छोड़ के भी आप क्रिकेट वर्ल्ड कप फुटबॉल? हाँ, मैं 13 क्रिकेट वर्ल्ड कप अभी तक जा चुका हूँ। 13 क्रिकेट वर्ल्ड कप वो मैंने जब अपने शुरुआत जब हुई थी कलकत्ता से ही मैंने उसकी शुरुआत की थी। उसके बाद में जितने भी T20 हैं सब है मेरी शुरुआत की। तो एक बार ऐसी मेरी मुलाकात खाना खाने के समय में अपने पुराने कप्तान मेरे फैन धोनी साहब से मुलाकात हुई। उनके साथ मैं श्रीलंका में 2012 में खाना खाया तो जब उनको बताया तो बोले यार मैं तो इतना क्रिकेट वर्ल्ड कप तो मैं भी नहीं खेला हूँ बोले अभी तक। तो अच्छा लगता है, और क्रिकेट तो अपना भारत का रिलीजन गेम है तो उसमें दर्शक भी सब जगह पूरे हिंदुस्तान से दुनिया से लोग आते हैं तो उनके साथ चीयर करने का एक मज़ा अलग है। और ख़ास करके पाकिस्तान का जब मैच होता है तब तो कहना ही क्या है। उस दिन तो हम लोग पूजा पाठ वगैरह करके सब अपने यूनिफॉर्म में आते हैं और इंडिया को जिताने की पूरी कोशिश करते हैं। एक्चुअली आपका दिमाग में क्या चलता है एक्चुअली कि आप इतना पूरा वर्ल्ड घूम लिया है इसके लिए स्पोर्ट्स के लिए, एक्चुअली क्या आपको इतना कौन सा स्पीड से आप ये होता है? एक्चुअली क्या स्पोर्ट्स में, हाँ मैं एक्चुअली क्या कॉलेज से ही मैं स्पोर्ट्स पर्सन रहा हूँ। और एक मेरा जीवन का एक ऐसा था कि स्पोर्ट्स एक ऐसी जगह है जहाँ पे टीम वर्क आदमी सीखता है। इवन मैं मेरी फैक्ट्री के अंदर में भी मेरे टीम वर्क के कारण मैं सबके ऊपर विश्वास करके मेरा काम करता हूँ। इवन मैं जब बाहर भी विदेश जाता हूँ मैं तो मेरे पीछे मेरे जितने भी स्टाफ हैं वो बहुत अच्छा काम करते हैं। और स्पोर्ट्स मेरी स्टील इंडस्ट्री है नागपुर के अंदर में। तो इतना दिन बाहर रहते हैं कोई? नहीं, कुछ नहीं है, बच्चे लोग भी हैं, बड़े हो गए अब सब और सब देखते हैं। और घर में सब मुझे पागल ही कहते हैं कि कितना स्पोर्ट्स जाओगे, लेकिन मैं सबको एक ही बोलता हूँ कि स्पोर्ट्स इज़ इन माई ब्लड, मेरे खून के अंदर में वॉलेंटियरिंग और स्पोर्ट्स, बिकॉज इट ऑलवेज बिलीव इन लॉ ऑफ गिविंग टू एवरी वन। आई ट्राई टू हेल्प ईच एंड एवरी वन वेदर आई नो हिम बाई नेम और नॉट, टू हेल्प एट एनी प्लेस, चाहे उसको पैसे की ज़रूरत हो दूसरे की हो, मुझे हेल्प करने में मज़ा आता है। तो पहले तो आपका बच्चा अभी बड़ा हो गया, लेकिन पहले तो ऐसे नहीं था? नहीं, पहले नहीं था तो मैं व्यापार बंद करके जाता था। अगर मैं बोलूं कि 1982 में मैं एशियन गेम्स पूरा था, पूरा मैंने ओपनिंग से क्लोजिंग देखा है, और शायद वहीं से मेरे को जो इतनी सुंदर आयोजन 82 में हुआ था कि क्या कहूं मैं आपको। उसके बाद में मैं कई एशियन गेम्स में भी वॉलेंटियर किया है और फीफा वर्ल्ड कप में
विंटर ओलंपिक्स तो लोग हिंदुस्तान में जानते ही नहीं है, लेकिन मैं और मेरी वाइफ दोनों ने तीनों बार हमने विंटर ओलंपिक्स में भी वॉलंटियरिंग किया है। -20 डिग्री के अंदर खड़े होकर आप कभी देखिए कैसा लगता है आपको, आप सोच भी नहीं सकते हैं कि विंटर ओलंपिक्स दादा हमी 3 विंटर ओलंपिक्स तक कंटिन्यूस जाए छे 2006 2010 एंड 2014 सोची एंड आई वॉलंटियर एवरीवेयर। -20 डिग्री यू जस्ट थिंक फॉर इंडिया where Nagpur is 45 degree temperature and I am standing with -20 degree. So that is the best part of that. Last question hai aapka sath, aap Dhanchand ji ko jo bhi kafi close se dekha hai. Ha, college ke samay university mein Dhanchand ji hamare university ki hockey team ko dikha aaye the wahan pe, to us samay unse main mila aur jo unse maine sikha ek mahine mein, unka kehna tha khelna utna zaruri nahi hai जितना अपने आप को बॉडी को फिट रखना जरूरी है। और अगर आप जीतो भी तो सिर्फ उस दिन एंजॉय करो, नेक्स्ट डे वापस सुबह 5 बजे उठ के अपने वापस स्पोर्ट्स में लग जाओ। उनका एक ही कहना था कि फिटनेस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन प्लेइंग, और वो उनसे मेरे एक जीवन का रहा और वहीं से मैंने जो शौक़ मुझे स्पोर्ट्स का लगा, जो भगवान की दया से आज तक है, और पूरा परिवार और दोस्त बंधु सब पूरे दुनिया के लोग मुझे बहुत सपोर्ट भी करते हैं। चाहे मैं किसी भी देश में जाता हूँ, मुझे बहुत लोग, और मैं इसीलिए कहता भी हूँ कि 99% पीपल आर गुड इन द वर्ल्ड देन दिस वन, एंड स्पोर्ट्स इज माय ट्रू रिलीजन एंड आई लव स्पोर्ट्स। और मुझे भारत को खास करके चीयर करने में जो आनंद आता है, मैं आपको वर्णन नहीं कर सकता हूँ। कभी अगर जब डायरेक्ट कभी मैच कभी होते हैं, उस समय आप हम लोग का एंथुजियम देखिए तो आपको लगेगा कि हम तन मन से पूरा उनको सपोर्ट करते हैं। तो अभी क्या, कितने दिन रहेंगे अभी? मैं यहाँ पे ओलंपिक्स के बाद पैरा ओलंपिक में भी रहूँगा। अच्छा। मैं पैरा ओलंपिक 9 सितंबर की मैंने टिकट बनाई है वापसी की। पूरा 2 महीने का खाना लेके आया हूँ, क्योंकि प्योर वेजिटेरियन हूँ और कुछ खाता नहीं हूँ, तो सब पूरा का पूरा नागपुर से अपना सामान वामान सब लेके आया हूँ। इवन जो भी मेरे दोस्त बंधु मिलते हैं, मैं उनके लिए भी एक्स्ट्रा रोज लेके आता हूँ। अच्छा। कि भाई हिंदुस्तान खाओ। कल कुछ तो हमारे एक बात बताइए कि इतना दिन के लिए बाहर आते हैं, अभी तो पैंडमिक के टाइम है, कोरोना का टाइम है, तो घर से कोई कुछ कुछ नहीं? आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं जापान ओलंपिक अटेंड करने के लिए पिछले 3 महीने से अपने घर से बाहर नहीं निकला हूँ। सोचिए आप, मतलब घर की बाउंड्री से बाहर नहीं निकला हूँ 3 महीने से, अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए कहीं कोविड नहीं हो जाए बोल के, और सब वैक्सीन वगैरह लेके, पूरी दवाई वगैरह लेके, विटामिन्स लेके, पूरा एकदम तंदुरुस्त हूँ। अच्छा। आज से मुझे 71 साल का हो रहा हूँ, लेकिन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एवरीथिंग इज गुड। तो ये ভদ্রলোক কিন্তু মানে ফিফা আরব কাপও কভার করেছেন, কোপা আমেরিকা ফাইনাল সে দেখতেও চলে গেছেন, মানে অসাধারণ এক মানুষ। এই অলিম্পিকগুলো আসলে এই মানুষগুলোর সঙ্গে আলাপ করার সুযোগ করে দেয়। ক্লিক করতে ভুলবেন না জানো।